वो तो कैसा कैसा हम सब ह्यूमिलिटी प्रोटेक्टर और मैं जाता शेयर करना लाइक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2। एंड आज की इस वीडियो में हम जिस बॉस को हराने जा रहे हैं, जिस अंडरवर्ल्ड बॉस को हराने जा रहे हैं, उसका नाम है आर्कोस। तो ये बंदा मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत अनोइंग है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है। इस बंदे ने स्पैम कर करके मेरी नाक में दम कर रखा है एंड मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे अपने से भी बड़ा स्पैमर मिल गया है। तो मैंने इसके साथ एक दो फाइट्स लड़ी और मुझे ये तो पता चल गया कि नहीं, मून सेबर्स ये वेपन जो है इस बंदे के अगेंस्ट तो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तो आज हम जिस वेपन को यूज़ करेंगे इस आर्कोस को हराने के लिए, वो वेपन पीछे ही होगा। नहीं, ये तो यूज़ नहीं करेंगे। क्या नाम था वेपन का? अच्छा हाँ, एक सेकेंड, यस, हम यूज़ करेंगे हैवी कुसारी गामा विथ प्रिसीजन इंचैंटमेंट ताकि हम इस बंदे को हरा पाएँ। एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आर्कोस को हराने के लिए सबसे बेस्ट वेपन क्या है, एंड कसम से काफ़ी लोग तो ऐसे नशे में हैं, वो कह रहे थे भाई कॉम्पोजिट स्वॉर्ड लो, न्यू मूव फिस्ट लो। भाई अगर मेरे पास ऑप्शंस होते ना भाई, मैंने पहले ही ले चुका होता, ठीक है ना। मेरे पास जेम्स नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिए। तो इसलिए प्लीज़ मुझे उन वेपन्स के नाम बताओ जो वेपन्स मेरे पास एक्चुअली हैं। तो यस, हम हैवी को सारी कामा यूज़ करेंगे एंड इसी के साथ साथ हमें एक नया मैजिक भी मिला है। हाँ, तो 5 में से 2 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब बस हमें हेलमेट, आर्मर और रेंज वेपन चाहिए पूरा का पूरा टेम्पेस्ट रेज अनलीश करने के लिए। ओके गाइस, तो अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और तुम्हें ऐसे ही शैडो फाइट 2 रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को अभी कभी जाके सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले दबाओ। इस वीडियो में बहुत बड़ा सब्सक्राइब करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड जिंटू इंट्रो लगाओ। ओके, आर्कोस एंटर। डैम, ये बंदा टफ है गाइस, ये बंदा टफ है, मजाक। चलो जोक सपाट एक तरफ, बट दिस गाय इज टफ। डर लग रहा है कहीं मीडियम चार्जेस यूज करने की नौबत ना आ जाए। भाई रैंडम रूल्स इस बंदे को और डेंजरस बना देते हैं। नो ब्लॉक्स, ओके फाइन। ओ यार, क्या मतलब भाई, सत्यानाश हो तेरा, सवा सत्यानाश हो तेरा, कुत्ते की मौत मरेगा तो ये मैं तुझे श्राप देता हूं। डैम इट। ओके, एक की जा चुकी है, बस 2 और कीज बची हैं। यार प्लीज कम ऑन, ऐसा मत करो मेरे साथ। ओके कम ऑन प्लीज, इसमें कोई हैकर नहीं होना चाहिए, कसम से रो पड़ूंगा मैं। यार हैकर्स कितने अनोइंग होते हैं। शिट, नो डबल स्ट्राइक्स। ओके, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सम टफ शिट। ये तो एक डेफिनेटली लॉस है। मैंने कहा था ये लॉस है। अरे डबल स्ट्राइक्स, कम ऑन, मेरे बस की बात नहीं है डबल स्ट्राइक्स। मारो से यार, मारो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके ओके, चलो, लुक्स लाइक थोड़े मीडियम चार्जेस यूज करने पड़ेंगे। ओ शिट, तो कितने मीडियम चार्जेस हैं मेरे पास? 13 है ना, 1-2 यूज कर लेंगे। चलो 2 यूज कर लेंगे, सिंपल। प्लीज यार, कोई ऐसा वैसा चैलेंज ना आ जाए, रूल ना आ जाए जिसकी वजह से दिमाग का सही हो जाए। प्लीज, मैं नॉट इनफ डैमेज की वजह से मरना नहीं चाहता। प्लीज यार, प्लीज कम ऑन, थोड़ी रैम करो मेरे ऊपर। मैं 2 चार्जेस इस राउंड में यूज करूंगा ताकि ले तेरी ऐसी की तैसी।
अबे रुक जा। टेक दिस मैजिक बॉय। बेटे 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 माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह। ता 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 काट डालूंगा। कम ऑन मैजिक, यस ओके नाइस। अच्छा खासा डैमेज किया मैंने, कितना डैमेज किया? 1340 ओपी भाई ओपी। चलो एटलीस्ट मैं नॉट इनफ डैमेज की वजह से तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ओ भाई यार मीडियम चार्जेस ने बचा लिया, शिट ओ डैम। वैसे सब लोग क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? ओ ये भी स्टिंग यूज कर रहे हैं, नाइस। लिनक्स क्लोज ओके, मॉन्क्स कटर्स फेस्ट। भाई मैंने रेड्स में देखा मैक्सिमम लोग न्यूमोफिट्स यूज करते हैं, ऐसा क्यों? न्यूमोफिट्स में ऐसा क्या है? इतना डेंजरस है क्या वो? सच में मैंने न्यूमोफिस्ट को एक बार ड्यूल में ट्रैक किया तो मुझे लग रहा था अबे से वाहियात वेपन तो मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं मतलब नो ऑफेंस, बट ये बात भी सच है कि मैंने कभी न्यूमोफिस्ट को इस्तेमाल नहीं किया। गॉड डैम इट, मर जाओ सर, हम आपको काट के रख देंगे। कैसा लग रहा है कट के आपको? डैम मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी इस रेड की आर्मी से बच कैसे रहा हूं, बट जो भी है मेरे लिए अच्छा ही है। नाइस खत्म। 397 नाइस डैमेज एक्चुअली में। फिनिशिंग, लेट फिनिश दिस पीस ऑफ शिट। डैम अच्छा अब मैं इस कंक्लूजन पे आ गया हूँ कि एक मीडियम चार्ज ही जो है मतलब बहुत है। ओ कम ऑन, बेटा काट डालूंगा तेरे को मैं, काट डालूंगा कति मतलब, समझ रहा है? हैवी कुसारी गामा के सामने टिकने की कोशिश मत करना, बहुत डेंजरस है बना ये। नाइस चार स्मॉल चार्जेस मिल गए ओपी। ओके वन की स्टिल लेफ्ट, चलो लगा ही लेते हैं तुम लोगों के अंतरात्मा को शांति देने के लिए। ओके मैच मेकिंग में इतना टाइम लगने लगा है, बताओ भाई गजब बेइज्जती है भाई। इतना तेज इंटरनेट है तब जाके मैच मेकिंग में इतना टाइम लग रहा है। ओह शिट, ओह गॉड डैम इट गाइस आई हेट दिस। एक चार्ज है बेटा तू, वाओ सही में नाइस। ओके मारो यार मारो मारो प्लीज मारो उसे। क्या क्या वेपन्स यूज कर रहे हो वैसे तुम? मून सेबर्स, ये मेरा सब्सक्राइबर है, डेफिनेटली मेरा सब्सक्राइबर है। आई मीन नहीं आर्कोस के लिए मून सेबर्स, वाओ। ब्लडी क्या यूज कर रहे हैं? ये भी न्यूमोफिस्ट, सारे टॉप लेवल बंदे न्यूमोफिस्ट यूज क्यों करते हैं? सही में न्यूमोफिस्ट इतने ओपी हैं, वाह दैट्स गुड एक्चुअली।
Much later. Okay, तो इस राउंड में मुझे एटलीस्ट कितना डैमेज करना पड़ेगा, कितना डैमेज लगता है? कोई नहीं, जितने चार्जेस हैं सब बढ़ा देते हैं, 3 चार्जेस यूज कर लेते हैं इस राउंड में। हार्ड ग्राउंड, ओके, ये इतना टफ नहीं होगा। ओह गॉड डैम इट, ओके नेवर माइंड, एक्चुअली 240 डैमेज, इनफ नहीं होगा ना, पता था भाई, पता था इनफ नहीं होगा, डैम इट। वन इटर्निटी लेटर, ओके, डरने की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल। अब मैं एक मीडियम चार्ज यूज कर रहा हूँ, उसके बाद या मतलब फिर नॉट इन्फ्लिक्टेड, नॉट इनफ डैमेज की वजह से तो कतई ही नहीं आएंगे। ओ कम ऑन, जस्ट डाई यू पीस ऑफ शिट। यार जब मेरे अटैक में मुझे इंटरफियर किया जाता है ना, मुझे तब बहुत गुस्सा आती है। ले अब तुझे कैसा लगा है, जब मैंने तुझे तेरे अटैक में इंटरफियर किया तब तुझे कैसा लगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाई साहब पति बजा दिया मैंने तो। अब कैसा लग रहा है सर? ओ शिट, भाई साहब कितना कितना डैमेज कर रहे हो तुम, हैं तुम तो बड़े तेज निकले। ओके फोर्थ पोजीशन, नेवर माइंड, एक्चुअली बस यही है, चार्जेस की वजह से बचा हूँ मैं, मीडियम चार्जेस की वजह से। नो किक्स, ओके, यार देखो क्लोज रेंज में मुझे किक्स यूज करनी ही पड़ेंगी। ओके तू ये खा, damn it, कितना ज़्यादा annoying था। मैं आर्कोस को हार्ड बुलाऊँ या annoying बुलाऊँ? एक काम करता हूँ, दोनों ही बुलाता हूँ, ये दोनों ही है। damn, shit, भाई साहब आर्कोस ने दिमाग का दही कर दिया। oh shit, oh my, okay, इसी के साथ आर्कोस की सारी कीज खत्म होती हैं। अब मेरे पास वॉल्केन की 5 कीज है, मेगलिथ की 16, फंगस की 8, वॉर्टेक्स की 2, फेटम की 7, आर्कोस की 0, होक्सन की 4 और रावण की 8। ओके देखो रावण की कीज तो मैं कभी यूज़ करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अब इवेंट कितने वक्त में ख़त्म होगा? अच्छा 1 दिन 20 घंटे में, या तो मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन लगा लो। तो रावण की तो मैं कभी यूज़ करूँगा नहीं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या इवेंट ख़त्म होने के बाद रावण की कीज़ मतलब किसी रिवॉर्ड में बदलेंगी क्या, क्योंकि जो शेडो फाइट 3 में होता है एसेंशन ख़त्म होने के बाद जो हमारे बच्चे कुछ टोकन्स होते हैं वो कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा कुछ है। एंड यस, इसी के साथ हमने आर्कोस को भी हरा दिया है, वो भी 3 कीज़ में, इज़न्ट दैट गुड? और इसी के साथ हमने अंडरवर्ल्ड टीयर 2 के 2nd बॉस और अंडरवर्ल्ड के 6th बॉस आर्कोस को हरा दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम होक्सन से लड़ेंगे। एंड तुम लोगों ने मुझे इस बंदे की बहुत चेतावनी दी है कि भाई इस बंदे को हल्के में मत लेना, ये बंदा बहुत डेंजरस है, मतलब डेंजरस का भी बाप है। सच में ऐसा क्या है, सिर्फ इसके रैंडम रूल्स की वजह से या फिर कुछ और भी स्पेशल रीज़न है? हाँ ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, होप श्योर तुम लोगों को पसंद होगी। तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले दबाओ। इस वीडियो में बहुत बड़ा वाला थम्स अप करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
Thank you.